हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीमलेस ट्रांजिशंस के बारे में। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, आप देख सकते हो, ये वो वीडियो है। अराउंड इसको 7 महीने हो चुके हैं एंड यहाँ पे मैंने बताया था कि एक पैक मैंने परचेज करा है सीमलेस ट्रांजिशंस का। सो ये जो है इसकी एक प्राइस है $69 एंड बहुत सारे लोग इतना पे नहीं करना चाहते हैं एंड इसमें 1000 से भी ज़्यादा ट्रांजिशंस हैं जो कि अगर एक नॉर्मल यूज़र यूज़ कर रहा है सो उसके काम की इतनी सारी नहीं है। मेनली उसको अगर थोड़े बहुत ट्रांजिशंस मिल जाते हैं, सीमलेस ट्रांजिशंस मिल जाते हैं प्रीमियर प्रो के लिए, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। सो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेमो पैक इसी वर्जन का, जिसको यूज़ करके आप सीमलेस ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस में। नाउ अब बात आती है कि ये पैकेज आप डाउनलोड कहाँ से करोगे। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आना है, देन उसके बाद यहाँ पे $0 पे कर देना है, कुछ भी आपको पैसे पे नहीं करने हैं, आई वॉन्ट दिस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। मेक श्योर कि यहाँ पे आप अपनी ही ईमेल आईडी एंटर करो, मेरी ईमेल आईडी ना करो बिकॉज जो लिंक है फिर वो मेरी ईमेल पे आ जाएगा। गेट पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे करना है हमें वेरीफाई एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 100.5 MB का ये पैक है, यहाँ से आप इसको कर सकते हो डाउनलोड। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, ये पैकेज है, इसको जल्दी से हम करते हैं एक्सट्रैक्ट एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते ही आप देख सकते हो हमारे पास कुछ ये फाइल्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले वीडियो ट्यूटोरियल भी है, आप चाहो तो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे मेन हमारी आती है प्रोजेक्ट फाइल। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपने एक्सट्रैक्ट करा है यहाँ पे एक फुटेज का फोल्डर है जिसमें एग्जैक्टली वो ट्रांजिशंस के जो पीछे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे है। सो फुटेजेस बेसिकली यहाँ पे आपकी हैं। सो मेक श्योर कि ये जो पैक है जो आप एक्सट्रैक्ट करो उसको आप किसी सेफ जगह पे सेव करो। तो सेफ जगह पे सेव करो, देन यहाँ पे मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। मेक श्योर कि आप इस स्टेप को फॉलो करो वरना हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, आपके ट्रांजिशंस वर्क ना करें। नाउ यहाँ पे ये जो फाइल है इसको हम करेंगे ओपन एंड ये ओपन होगी प्रीमियर प्रो में। नाउ यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि आप देख सकते हो, आपको सिंपली यहाँ से करना है डेमो सेव कर सकते हो, ओके पे करोगे क्लिक। तो यहाँ पे ये ओवरराइट के लिए पूछेगा, ओवरराइट हम कर देंगे, ओके पे करते हैं क्लिक। तो अब जितनी भी मीडिया है ना, जितने भी यहाँ पे ट्रांजिशंस हैं वो सारे फाइल में आ जाएंगे, बेसिकली वो लिंक हो जाएंगे जो फुटेज वाला फोल्डर दिखाया था मैंने उससे। तो यहाँ पे जस्ट ये होने वाला है एंड हो चुका है, यहाँ पे जितना भी फोल्डर है वो आ चुका है, ट्रांजिशंस बेसिकली आ चुके हैं। नाउ ट्रांजिशंस कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, ये है, मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ एंड यहाँ पे ये आपके पास ट्रांजिशंस मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो जूम फेड बहुत सारे ट्रांजिशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। नाउ अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि भाई ये तो आ गए, ये तो एक प्रोजेक्ट में अलग हमारे ट्रांजिशंस आ गए, अब ये जो ट्रांजिशंस हैं इसको आप अपने फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, स्टेप है काफ़ी ईजी है। नाउ अगेन हम ओपन करेंगे प्रीमियर प्रो को। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है वीडियो लेंसर्स ट्रांजिशन। नाउ इसको ओपन नहीं करना है, यहाँ पे सारे ट्रांजिशंस हैं जो कि सेव हुए हैं जो हमारी लोकेशन थी। अब आपको अपना कोई भी जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ ओपन, ये मेरा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल इसमें मेरी वीडियोज़ बनी हुई हैं, वीडियो एडिटिंग का मेरा प्रोजेक्ट है। नाउ यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड इसको डिलीट करता हूँ सो दैट आपको एक अच्छा एक एग्जाम्पल मिल जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फुटेज मेरी एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊं कुछ इस तरीके का, कोई भी ट्रांजिशन नहीं है एंड मुझे अप्लाई करना है ट्रांजिशंस। नाउ जो ट्रांजिशंस हैं वो यहाँ पे है ही नहीं तो कैसे करेंगे, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ किस लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हो दिस इज द मेरा प्रोजेक्ट का मीडिया जितना भी है। अब क्या करना है, मुझे जाना है उसी लोकेशन पे जहाँ पे मेरे ट्रांजिशंस का फोल्डर था एंड ये फाइल थी। ये फाइल को अब मैं ड्रैग करूँगा एंड ड्रॉप करूँगा प्रीमियर प्रो में अपने प्रोजेक्ट पे एंड अब हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूँ आपके पास क्या हमारे पास ऑप्शन आया है। एक इम्पोर्ट प्रोजेक्ट का आया है, सो इम्पोर्ट एंटायर प्रोजेक्ट पर कर देंगे हम क्लिक और यहाँ पर कर देंगे ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ट्रांजिशंस थी ट्रांजिशन वाले प्रोजेक्ट में वो यहाँ पे आ चुकी हैं। नाउ बहुत ही ईजी मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा क्लटर्ड शायद आपको अपना ये प्रोजेक्ट लगे, तो आपको क्या करना है, ये सारा जो फोल्डर है ये आपको एक न्यू फोल्डर में न्यू बिन में ऐड कर लेना है। न्यू बिन करते हैं यहाँ से और ट्रांजिशंस मैं इसको नाम दे देता हूँ एंड अब ये जितने भी फोल्डर हैं मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा
कुछ इस तरीके से, एंड इन सबको अब मैं भेज दूंगा इस वाले फोल्डर में, सो दैट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, ईजी हो जाए देखने में, क्लटर्ड ना लगे, बहुत ही अच्छा लगे. सो ट्रांजेक्शन्स का फोल्डर है, यहाँ पे आते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं हमारे फोल्डर्स. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे एक यहाँ पे ऐड करना है, कौन सा करूँ मैं, पैन यहाँ पे है, पैन यहाँ पे नहीं है, ओके ऑफसेट पैन है. सो ईज है यहाँ पे कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आप प्रिव्यू भी कर सकते हो. तो अब यहाँ से मैं टाइमलाइन को बड़ा करता हूँ बिकॉज आपको यहीं पे मेनली देखना है. जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड यहाँ पे कर देंगे ड्रॉप कुछ इस तरीके से. नाउ अगर मैं इसको यहाँ से जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो मज़ा नहीं आया है. मज़ा क्या नहीं आया है, वो ट्रांजिशन अभी आएंगे ही नहीं. मैं आपको एक बारी दिखाता हूँ यहाँ से. आप देख सकते हो, एंड अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँ ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो यहाँ पे आपको दिख रही है फुटेज वही आपको यहाँ पे दिख रही है. तो इस चीज़ को करेक्ट कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ. इसको मैं कर देता हूँ डिलीट यहाँ से. सबसे पहली चीज़, ये जो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ना, इसको आपको करना है ऑफ. अब जो फर्स्ट लेयर है इसको कर देना है डिसेबल. अब क्या करना है, अगेन आपको ये ट्रांजिशन लेनी है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है इस तरीके से. काफ़ी ईजी है. नाउ आप देख सकते हो जो ट्रांजिशंस हैं वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं. अब आप कहोगे कि वीडियो में नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप डाउनलोड करोगे तो कैसे करेंगे. इसका भी बहुत जल्दी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ. स्क्रीन पे आ जाओ वापस, यहाँ पे देखते हैं. आपके सामने ये ट्रांजिशन है, देखते हैं क्या वर्क कर रहा है या नहीं. आप देख सकते हो अगेन यहाँ पे ये जो फुटेज है ये आ रही है, एंड ये हमें नहीं चाहिए. इसको हम करते हैं डिलीट यहाँ से, पूरे ट्रांजिशन को हम डिलीट करेंगे. आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है. सबसे पहले आप कर्सर लेकर आओगे यहाँ पे, देन उसके बाद यही वाला ट्रांजिशन जो नहीं चल रहा है ना, वही मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा. ड्रैग करते हैं. अच्छा ड्रैग मैंने करा, चलो मैं ड्रैग करता हूँ एक बारी, यहाँ पे रखा. नाउ आपको देखना है टाइमलाइन पे, यहाँ पे एक प्लस का आइकन शो हो रहा है. दैट मीन्स ये वाला जो ट्रांजिशन है इसको ज़्यादा ट्रैक्स चाहिए, एंड आप देख सकते हो ट्रैक्स यहाँ पे सिर्फ दो अवेलेबल है. तो ये जो प्लस का आइकन है इसको आपको कर देना है क्लिक. हो गया, परफेक्ट. अब एक बारी देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, ट्रांजिशन वर्क कर रहा है या नहीं. आप देख सकते हो अगेन वर्क नहीं कर रहा है. कोई नहीं, इसको करते हैं हम डिलीट. दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट, अगर ये आपका ऑन है तो आप इसे कर देना ऑफ. यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है आपकी, आपको उसे ऑफ करना है. आप कहोगे यहाँ पे तो ऑफ ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो जो V1 है वो यहाँ से इनेबल है. तो आप V1 को कर दोगे डिसेबल बिकॉज उस पर फुटेज होती है जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिख रही है. V2 को कर दोगे इनेबल. V1 आप देख सकते हो दोनों जगह डिसेबल है. नाउ यहाँ पे सेम हम लेते हैं ट्रांजिशन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब कुछ दूसरे टाइप का यहाँ पे आया है. यहाँ पे हमें बीच में जो है वो एक गैप भी मिला है. अब अगर देखें कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, परफेक्ट. अब यहाँ पे वर्क कर रहा है. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू आता है तो रिजॉल्व हो सकता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे करा है. नाउ आपको लग रहा है कि कुछ गलत चीज़ हो गई है, इसको कर दो डिलीट. मैं आपको एक दूसरा ट्रांजिशन भी दिखाता हूँ. यहाँ से ये ट्रांजिशन ले लेते हैं, एंड आप देख सकते हो कट उसके साथ ही है. बहुत ही ईजी है यूज़ करने में. ये जस्ट मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से रख रहा हूँ, एंड आप देखते हैं परफेक्ट. चलो दूसरा ट्रांजिशन भी मैं आपको जल्दी से यूज़ करके दिखा देता हूँ कोई और कैटेगरी में से. तो हमें यहाँ पे आना है बैक, एंड अब हम कर लेते हैं यहाँ से कोई भी लाइक वार्प कर लेते हैं RGB. सो यहाँ से लगा देंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या ट्रांजिशन आता है. परफेक्ट. तो आप देख सकते हो ट्रांजिशन सारे वर्क कर रहे हैं. Alright guys, तो I hope this video was helpful. अगर आप Premiere Pro यूज़ करते हो तो make sure कि आप इसे डाउनलोड करो. डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक. मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा जिसमें आपको ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है. जस्ट उस लिंक से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. मेक श्योर वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, एंड इसी तरीके के और कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना. दिस इज जतन साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.